इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपीएससी फिल्म दो के लिए बात हो रही है यहां पर फादर ऑफ द बैंकिंग रिफॉर्म एम नरिम जी के बारे में तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब दो कमिटी की स्थापना की गई थी एंड एट में तो पहली कमेटी की बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन क्या थी वन में रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी बात रखी थी क्रिएशन ऑफ फोर टीयर बैंकिंग स्ट्रक्चर जिसमें तीन बैंक आपके टॉप पे रहेंगे फिर रोल जो आपके रूलर फोकस्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की यहां पर बात रखी गई थी जिसके चलते एनपीएस को रिजो करने की कोशिश की जाती सकती है आठ परसेंट सी एर की बात रखी फिर एस एल आर की बात रखी ताकि बैंक थोड़ा ज्यादा वहां पर लेंडिंग एक्टिविटीज कर सकें सेकंड कमेटी के बारे में बात करें 1998 की तो इसमें जिसे हम बैंकिंग सेक्टर कमेटी भी कहते हैं इसमें रखी गई बात मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक की मर्जर के बारे में और आरबीआई की किसी बैंक में ओनरशिप नहीं होनी चाहिए और बैंक को रिड्यूस करने एनपीएस टू थ्री परसेंट बट टू थाउजेंड टू तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोडक्शन हुई इंडिया में एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर